हेलो डियर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। यहां पर आप हेडिंग देख सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस क्या होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहने का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दो वर्ड मिलकर बना है। इलेक्ट्रो कहने मतलब जो इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ है और मैग्नेटिक कहने मतलब जो इलेक्ट्रिकल से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उससे जुड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। और एनर्जी जो होता है वो एनर्जी बहुत प्रकार का होता है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रासायनिक एनर्जी, बहुत प्रकार के एनर्जी होते हैं। और कन्वर्जन कहने का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में, और डिवाइस कोई सिस्टम हो गया जो उसे एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है वैसा डिवाइस को कन्वर्जन डिवाइस बोलते हैं। तो इसका हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। कहने का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वैसे डिवाइस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वैसे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। नाम ही है एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है उसी को बोलते हैं एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, और जो इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। अब हम इस पर बात कर लेते हैं कि वो कौन सा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वैसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो होता है जनरेटर। जनरेटर आप पावर स्टेशन में देख सकते हैं, जिसे हम प्राइम मूवर से मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब एक फोर्स देते हैं, एक टॉर्क देते हैं, एक मोमेंट देते हैं, यानी घूमता हुआ जो टॉर्क देते हैं, मोमेंट देते हैं, वो होता है मैकेनिकल एनर्जी। और जो हमें जनरेटर से मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे करेंट मिलता है, वोल्टेज मिलता है, वो होता है मैकेनिकल एनर्जी। तो वो डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसे जनरेटर, इसे हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं, वो हो गया मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। तो जनरेटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल से जो मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में जो डिवाइस कन्वर्ट करता है वो कौन कौन से हैं। तो वो हो गया मोटर, हो गया गियर, तो हो गया जो मैकेनिकल को मैकेनिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है, वो केवल पावर को ट्रांसमिट करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है। और मोटर हो गया जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं वो हमें मैकेनिकल एनर्जी देता है, जैसे कि हम इसे वोल्टेज या करंट देते हैं वो हमें मोमेंट या एक फोर्स या एक टॉर्क देता है, वैसे डिवाइस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस बोलते हैं और उसे हम मोटर बोलते हैं। तो जनरेटर का जनरल डिफिनेशन हो गया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और मोटर का जनरल डिफिनेशन हो गया, मोटर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से पता लग गया होगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस क्या है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज पता हो गया होगा। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।